राजधानी में फिल्माई गई झुंड फिल्म में अभिनय करने वाले युवक को चोरी के प्रकरण में पकड़ा गया है। मानकापुर पुलिस ने मोहन नगर निवासी 18 वर्षीय बाबू क्षेत्री उर्फ प्रियांशु रवि क्षत्रिय को गिरफ्तार किया है। नागराज मंजुले निर्देशित फिल्म झुंड काफी चर्चा में रही थी। इसमें नागपुर के कई युवकों ने अभिनय किया था। इसमें बाबू क्षेत्री भी शामिल था। गत दिनों मानकापुर थाने के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हाउसिंग सोसाइटी निवासी प्रदीप भोंडावे के घर से नकदी सहित 5 लाख रुपए के गहने चोरी हुए थे। मानकापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा था। क्या फुरफुर कर रहा है इधर का खजाना वजाना गाड़ा है क्या? क्या फुरफुर कर रहा है इधर का खजाना वजाना गाड़ा है क्या? जांच में पुलिस को बाबू क्षेत्री के भी लिप्त होने का पता चला। पुलिस ने मंगलवार को उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चुराया गया सामान गड्डी गोदाम स्थित कबूतरों की पेटी में छुपाए जाना बताया। पुलिस ने गहने बरामद कर लिए। फिर्यादी आहेत हे आंबेडकर सोसायटी न्यू कॉलनी मानकापूर येथे राहतात। ते आपलं घर बंद करून बाहेर गेले असता त्यांचं घराचं कुलूप तोडून 73,000 मुद्देमाल चोरी गेल्याची गुन्हा पोलीस स्टेशनला नोंद होता। या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये जे काही टेक्निकल गोष्टी आहेत सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे वगैरे शोध घेतला। त्या तपासामध्ये 2 आरोपीची नावं निष्पन्न झाली। त्याच्यामधला एक विधी संघर्षग्रस्त बालक होता आणि दुसरा जो होता तो अंकित उर्फ अंकुश उर्फ डोडा भीमराव प्रत्येकी हा 18 वर्षाचा आणि मेकोसा बाग येथे राहत होता। त्याच्यानंतर 2 नावं परत निष्पन्न झाली या गुन्ह्यात सहभागी असलेले। तर तो होता एक हर्ष उर्फ भुर्या सुभाष खांडेकर याचं वय 21 वर्ष हा सुद्धा मेकोसा बाग येथे राहत होता आणि दुसरा प्रियांशु उर्फ बाबू क्षेत्री त्याला बाबू छपरी पण म्हणतात त्याचं वय 19 वर्ष हा सुद्धा मेकोसा बागचा राहणारा होता। तर या 4 आरोपींना पहिले 2 आणि नंतर 1-3 असे 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून 63,645 रुपयाचा मुद्देमाल जब्त करण्यात आलेला आहे। बाबू क्षेत्री को अदालत में पेश कर 25 नवंबर तक हिरासत में लिया गया है। उसकी चोरी की अन्य वारदात भी लिप्त होने का संदेह है। बाबू गरीब परिवार का है, वह छोटे मोटे काम करता है, चलती उसके चोरी में लिप्त होने का संदेह है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।